देखिए, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है ये हम लोग समझेंगे आज। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पहले इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कितना पैसा हम लोग कहाँ कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मतलब कितना पैसा हमको अरेंज करना पड़ रहा है वो अब यहाँ पे बात होगी। तो पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, क्या फॉर्मेट है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। तो हम लोग कैश फ्लो के फॉर्मेट में आएंगे अपने पुराने, अपने फाइनेंसिंग का सारा कुछ देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंसिंग में आप देखेंगे कि जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है शेयर वेयर बेच के, वो सब आपको इसमें लिखना होता है, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर बेच के जो भी पैसा आएगा वो आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं वो भी देख लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब जो भी पैसा आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लाया अपने बिजनेस में वो भी आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। ये सब सब पैसे आने वाले हैं तो उसको आप प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग की भी चीज़ें इसमें आती हैं, क्योंकि पैसा आप अरेंज तो कर ही रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए करें चाहे लॉन्ग टर्म के लिए करें। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से भी जो पैसा आएगा वो भी आपका प्लस में ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, दो नया चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा, ओवरड्राफ्ट और सीसी कैश क्रेडिट। तो अब देखिए, अगर इसका बैलेंस इंक्रीज है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका बैलेंस इंक्रीज है तो इसका मतलब बिजनेस में पैसा आया है, मतलब उधार उतना आपके पास आ गया, उतना उधार आ गया, ठीक है। तो इसको इंक्रीज का मतलब हुआ उतना उधार हमारे पास आ गया, तो इंक्रीज को आप प्लस में लिखाएंगे। तो ये सब जितना भी ऊपर अभी हम लोग देख रहे हैं सब प्लस की एंट्री है। और उसके बाद अगर डिक्रीज हुआ है, अगर कुछ क्वेश्चन में आपको देगा कि डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, सीसी लिमिट या फिर ओवरड्राफ्ट में कुछ डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पे कर दिया है, ठीक है। तो आपने पे कर दिया है तो ये सब चीज़ें ब्रैकेट में जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे अक्सर करके गलत कर देते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और क्या चीज़ है इसमें, अब है आपने डिविडेंड पे किया, ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया तो ये भी आपका इसी का पार्ट है कि आपने डिविडेंड पे कर दिया। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, अब यहाँ पे देखिएगा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर बोल रहा है, तो इस साल का मत लिख दीजिएगा, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर का होगा वो आप इसमें लिखेंगे, इस साल का नहीं लिखेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी आपको इसी में लिखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, हम बोरोइंग लिख दे रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपका दोनों हो गया। तो जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इसमें दिखाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट भी सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेन क्या है इसमें, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का, मतलब पेमेंट लोन किसी का वापस कर रहे हैं, तो वो भी आपका इसी में जाएगा। तो ये भी आपका माइनस में चला गया, रीपेमेंट ऑफ लोन भी, ठीक है।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन के बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। अगर डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा है, मतलब आप अगर रिडीम कर रहे हैं, मतलब पैसा वापस कर रहे हैं, तो रिडम्पशन हो रहा है डिबेंचर का या फिर प्रेफरेंस शेयर का, तो वो भी आपका यहाँ पे माइनस में जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना पैसा हमारे बिजनेस में कम हो गया। तो इतनी चीज़ें हमारी इसमें कवर होती हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग, आपके बुक में दिया हुआ है 13.9 पेज पे, अगर पुरानी बुक है तो जहाँ पे कैश फ्लो का फॉर्मेट दिया है वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। और अगर और लर्न तो करें या ना करें वो तो अलग बात हो गया, लेकिन आपको ये समझना है कि फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसे का अरेंजमेंट करना। तो कैश फ्लो में फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसे का अरेंजमेंट करना। तो पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है आपके अगर बिजनेस में, भले ही वो लोन से आ रहा है चाहे जहाँ से आ रहा है, वो मतलब नहीं है। पैसा आ रहा है तो आप प्लस करोगे, और आप पैसा दे रहे हो, जा रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो माइनस होगा। तो ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है हमारे बुक में 29 से, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 12 लाख रुपीज़ का, और फिर उसके बाद 7 लाख दिखाया हुआ है, 2 साल का दिया हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 29 में, और सारे नीचे एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, लिखेंगे, देखेंगे कितना पैसा हमारे पास शेयर इशू करने से आया है, ठीक है। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 29 है ना, यहाँ 29 लिख दे रहे हैं। तो प्रोसीड फ्रॉम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो शेयर का प्राइस है पहले वो लिखेंगे आप। तो शेयर का प्राइस देखिए कितना दिया हुआ है हमारे पास, इक्विटी शेयर बोल रहा है इशू किया गया है प्रीमियम पे 20%, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर दिखा रहा है 2%, ठीक है। और तो यहाँ पे प्रोसीड मतलब यहाँ पे हमने इशू कितना किया है पहले हम उसको फोकस करेंगे। तो देखिए पहले हमारा 12 लाख था, और सॉरी पहले 7 लाख था 2017 में, बाद में शेयर कैपिटल हमारा 12 लाख हो गया, तो शेयर कैपिटल हमारा 5 लाख से बढ़ गया। तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे ही दिखा सकते हो कि हमारा 5 लाख रुपीस इशू से आया है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है प्रीमियम भी आया है, तो प्रीमियम का पैसा भी आप 10,000 रुपये जोड़ दोगे, ये नीचे दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कमीशन हमने पे किया है अंडर राइटर कमीशन, तो अंडर राइटर कमीशन जो है वो आप निकालेंगे कितने रुपए का, इन दोनों अमाउंट का अंडर राइटर कमीशन निकालेंगे 2%, ठीक है, सॉरी 2.5%। तो 2.5% इनका अंडर राइटिंग कमीशन निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा 12,750, ये आपका अंडर राइटिंग कमीशन आ गया, ठीक है। तो कितना पैसा आया हमारे बिजनेस में, टोटल आएगा 4,97,250 रुपीज़ हमारे बिजनेस में शेयर बेच के आया, ठीक है। उसके बाद देखिए रिडम्पशन अब कहाँ पे हो रहा है, देखिए दूसरे केस में रिडम्पशन हो रहा है। देखिए जो प्रेफरेंस शेयर था पहले 1 लाख था, और 2018 में देखिए गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पे कर दिया,
यहाँ पे आप रिडम्पशन की एंट्री आप लिखाएंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देखिए कैसे लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना रुपए का रिडम्पशन हुआ, 1 लाख तो वो हो गया। प्लस उसके बाद देखिए रिडम्पशन में लिखा हुआ है 2% प्रीमियम पर रिडीम किए हैं, तो 1 लाख का 2% निकाल लेंगे तो 2% प्रीमियम हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट आपका आ जाएगा 1 लाख प्लस 2000। तो टोटल जो आपका पैसा जा रहा है बिजनेस से वो जा रहा है 1 लाख 2000 रुपीज़ पूरा बिजनेस से जा रहा है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इक्विटी का ऊपर इक्विटी माइनस करके देखेंगे, प्रेफरेंस का प्रेफरेंस माइनस करके देखेंगे, इस तरीके से माइनस करेंगे तो आपको सही से पता चलेगा क्या हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब है प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब डिबेंचर का देखेंगे, तो डिबेंचर पहले हमारे पास नहीं था 2017 में, 9% डिबेंचर की बात कर रहे हैं, तो 9% डिबेंचर हमारे पास आ गया। तो 9% डिबेंचर आ गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे बिजनेस में पैसे आ गए, तो इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे ठीक है, और उसके साथ साथ अब यहाँ पे क्या आपको देखना है कि डिबेंचर जो हमने अपने पास मंगाया है उसका कुछ पैसा पे किया है क्या। तो डिबेंचर का देखिए लिखा हुआ है 9% डिबेंचर वर इशू एट 1% डिस्काउंट एंड 7% डिबेंचर वर रिडीम एट 5% प्रीमियम। मतलब हमने डिबेंचर जो इशू किया है वो 1% डिस्काउंट पे इशू किया है, सॉरी हाँ इशू इशू किया है ठीक है। तो प्रोसीड फ्रॉम द इशू लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 9% डिबेंचर। तो यहाँ पे अब आप नीचे वर्किंग नोट पे दिखा दोगे इसी में ही कि 2 लाख था, 2 लाख में माइनस हो गया 2000 रुपीज़, तो हमारा आंसर आ जाएगा 198। तो ये पैसे हमारे आ गए ठीक है। अब उसके बाद रिडम्पशन की एंट्री करेंगे, तो रिडम्पशन जो कर रहा है 5% प्रीमियम पे कर रहा है, और रिडम्पशन देखिए ऊपर 1 लाख रुपये दिया हुआ है ठीक है। तो अब रिडम्पशन की एंट्री करेंगे, रिडम्पशन ऑफ 7% डिवेंचर। तो टोटल हमारा जो रिडम्पशन हो रहा है वो 1 लाख प्लस 5000 हो रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितना लिख देंगे 105 ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ माइनस में दिखा देंगे क्योंकि तो ये पैसा हमारे बिजनेस से चला गया। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर। अब हमने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 7000 रुपीज़, पैसा जा रहा है तो माइनस में लिख देंगे। उसके बाद क्या है, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना पे किया हुआ है, 8000 रुपीज़। तो 8000 रुपीज़ को आप माइनस कर देंगे, टोटल अब यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। जो आपका आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। फोर, ये हमारा आंसर आ गया ठीक है, 473,250। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कैसे क्या रिडम्पशन हो रहा है, क्या पैसा आ रहा है। अगर आप इतना ध्यान से करके करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है।
क्योंकि सबसे आसान फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को माना जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आसान कुछ है नहीं, बस खाली थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कमीशंस के बारे में और प्रीमियम्स के बारे में। अगर ये सब ध्यान देके क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा ये। बाकी इसका फॉर्मेट तो बता ही दिए, वो इजी है ही। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पूरा आपको बैलेंस शीट दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्ट ऑपरेटिंग बनाना है और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग बनाना है, ठीक है। तो देखिए फाइनेंसिंग अब ख़त्म करिए डायरेक्टली, अब आपको मिक्स क्वेश्चन दे दिया इसने, तो मिक्स क्वेश्चन देना है तो अब आपको दोनों चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ऑपरेटिंग वाली चीज़ें भी फाइनेंसिंग वाली चीज़ें भी, ठीक है। और आपको सबको अलग अलग लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि हमको तो पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाना पड़ेगा ना, तब तो कुछ होगा। चलिए पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस 2018 का लिखेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। और आप नीचे देखेंगे लेस, क्या लेस करेंगे, 31st थर्टी फर्स्ट मार्च 2017 का आप यहाँ पे लेस करेंगे, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। अप्रिसिएशन ठीक है, प्रॉफिट माइनस में दिया हुआ है ना, तो इसको माइनस में यहाँ पे कर लेंगे, -1 लाख। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तो 17 से 18 में जब हम पहुँचे, 17 में हमारा माइनस था ना, और 18 में हमारा 1 लाख प्लस में हो गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, हमारा प्लस जो है वो 2 लाख का है। क्यों 2 लाख का है, क्योंकि पहले हमने 1 लाख कमाया, माइनस को कवर किया, उसके बाद हम प्लस में आ गए 1 लाख। तो ओरिजिनल जो हमारी कमाई हुई है वो हुई है 2 लाख रुपये। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये प्लस माइनस करके जीरो मत कर दीजिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, ठीक है। कि हमने माइनस में थे, अब 1 लाख प्लस में आ गए, तो पहले माइनस को कवर किए फिर 1 लाख को प्लस में आ गए, तो मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ऐड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना ट्रांसफर किया है, 1 लाख रुपीस, उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जीआर, कितना ट्रांसफर किया है, 35,000 रुपीस, तो 35,000 रुपीस यहाँ पे भी प्लस कर देंगे। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड है, तो प्रपोज डिविडेंड हमारा 8% लिखा हुआ है ना, तो अब उसको हम लोग निकालेंगे, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड होता है ना वो भी परसेंटेज ही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई ऐसा अमाउंट नहीं होता, वो परसेंटेज के फॉर्म में ही हम दिखाते हैं। तो 8% है, 8% निकाल लेंगे 4,50,000 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल 36,000 रुपीस। तो आपने यहाँ पे 36,000 रुपीस यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, अब लिखेंगे आप डिविडेंड
ऑन प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है? 5% 3 लाख का। तो 5% है 3 लाख का, ठीक है। तो उसके बाद इसमें प्रेफरेंस आपका आ जाएगा टोटल 15,000 रुपये। अब इस सारे अमाउंट को आप प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्लस करके देखिए इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। सभी प्लस में है तो टोटल जो आपका आएगा इसमें 3,86,000 रुपीज़ आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये अर्न कर लिया, मतलब हमारा इतना काम हो गया, ठीक है। और एक चीज़ देख लीजिए इसमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या इतना जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आपको आगे काम आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखिए, डिबेंचर कितने का है, डिबेंचर हमारा 3 लाख 2 लाख ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो इसको निकालेंगे, ये रफ में हम पहले निकाल दे रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे हमको निकालना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो 8% ऑन 2 लाख फॉर 6 मंथ आ जाएगा यहाँ पे 8,000, फिर 8% ऑन 3 लाख फॉर 6 मंथ, तो हमारा आ जाएगा 12,000 रुपये, टोटल मिला के 20,000 रुपये आ गया। ये हमारा वर्किंग नोट का काम हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में भी लगाएंगे, ठीक है, कि आप पहले वर्किंग नोट वाला सारा काम कर डालिए, तो आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वर्किंग नोट वाला काम हमारा हो गया, और क्या बचा है अभी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हमें 3,86,000 रुपीज़ मिल गया है। अब इसको लेकर चलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखिए यहाँ पे डिबेंचर इशू का डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3rd देखिए, उसमें लिखा हुआ डिबेंचर हमने कब इशू किया है, ठीक है। तो पहले हमारा डिबेंचर 2 लाख का था, बाद में हमारा डिबेंचर 3 लाख का हो गया, ठीक है। तो पहले 2 लाख पे निकाले फिर 3 लाख पे निकाले, तो ये आपका 6 6 मंथ का निकल जाएगा, टोटल हो गया। अब आते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, अब हमारा फटाफट क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट वाला पार्ट हमारा हो गया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या, पहले हमारा आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा आ रहा है, देखिए इसमें आपको दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तो एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम ना, क्योंकि तो बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो 3,86,000 रुपीज़ पहले आप आउटर कॉलम में लिख देंगे, जो आपने फाइंड आउट किया है नोट वन से, यहाँ पे हम नोट वन लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स ऐड करेंगे, जैसे हम लोग पहले शुरू में कर रहे थे, क्या आ रहे भी वहाँ पे भी आ रहे, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हमारा हो गया 60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आते हैं
प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो जो हम प्रीमियम जमा करते हैं वो भी हमको इसमें दिखाना पड़ता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए एक जगह, जो नए नए चीज़ें आ रही हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो इसको भी आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमने ऊपर निकाला है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है वो है 20,000 रुपीज़। उसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ, ये हो गया 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 105,123, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो उसका हमारा आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग, अमाउंट आ जाएगा 4,91,000 रुपीज़, ये हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वो करेंगे। लेस लेस क्या करना है हमको, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स देखिए कितना हमारा बड़ा है, टोटल हम एक साथ लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स जो हमारा दिखा रहा है, टेंजिबल फिक्स्ड करंट 80,000 रुपीज़, तो आप इसको यहाँ पे इंक्रीज 80,000 रुपीज़ यहाँ पे दिखा देंगे, ये आपका माइनस चला जाएगा। उसके बाद डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, वो हमारा हो रहा है 40,000 रुपीज़, यहाँ पे आप 40,000 रुपीज़ कर लेंगे। टोटल जो आपका यहाँ पे माइनस करना है वो आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़। अब इसको यहाँ पे आप सॉल्व कर देंगे तो 3,71,000 रुपीज़ आपका आ गया। ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। अब आते हैं हम लोग उसके आगे, उसके आगे देखिए हमको फाइंड करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अभी वो बचा है। ठीक है, तो उसको हम लोग सेपरेट फाइंड आउट करते हैं, अपने पास जगह भी नहीं है, पीछे करते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा, सेम वैसे जैसे कॉलम बनाए थे उसी के आगे आपको करना है। ठीक है, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना भी सकते हैं क्योंकि बीच में वो गायब है ना, यहाँ पे अलग से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का बना सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितना आया है 50,000 रुपीज़, तो पहले इसको लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं अब है कैश पेड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैश पेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना कैश पे किया है, 1,00,000 रुपीज़ का रिडेम्पशन हुआ है प्लस 5,000 को जोड़ दिया है, तो टोटल कितना हो गया 1,05,000 रुपीज़। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, इसमें कितना हुआ है, 1,00,000 रुपीज़ आया है, पहले 2 लाख का था 3 लाख का हो गया, 1,00,000 रुपये बढ़ गया। उसके बाद जो आपने डिविडेंड डिविडेंड पे किया है उसको माइनस कर देंगे, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर,
36,000। उसके बाद है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ये भी हो गया आपका 15,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यह हो गया आपका 20,000। टोटल हमारा जो आंसर आ जाएगा उसको हम बोलेंगे नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसमें आपका जो अमाउंट आ जाएगा उसको आप लिख देंगे -26,000, और इसको उठा के यहाँ पे -26,000 कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।